डियर स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास टेंथ विषय हमारा मैथमेटिक्स होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 36 है और ये 1 अक्टूबर 2021 के लिए है। तो प्यारे स्टूडेंट, आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट है जिसमें वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यहाँ आप जो पीला वाला भाग देख सकते हैं, ये वृत्तखंड है, ठीक है। या वृत्तखंड वह भाग होता है जो दो त्रिज्याओं एवं चाप के से घिरा होता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे पीले रंग का क्षेत्र ओ केंद्र वाला वृत्त का लघु त्रिज्याखंड है। लघु त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण थीटा है। नीचे नीला क्षेत्र भी इसका एक त्रिज्याखंड है, नीले रंग में दीर्घ त्रिज्याखंड है। दीर्घ त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण 360 डिग्री में से होता है, ठीक है, जिसको हम थीटा कहते हैं। अब आपको ये देखना, अर्धवृत्त और चतुर्थांश दो विशेष प्रकार के क्षेत्र है। वृत्त का आधा अर्धवृत्त होता है, जबकि एक वृत्त का एक चौथाई चतुर्थांश होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये सेमी सर्कल है, ये क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब देखिए, दैनिक जीवन में हम त्रिज्याखंड का कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि हम झूला झूलते हैं, पिज्जा खाते हैं, तो यहाँ देखिए त्रिज्याखंड है पेसमैन, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बॉल वगैरह है, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, जैसे देखिए त्रिज्याखंड ये है, ये आपका ऑरेंज वाला भाग है, ठीक है। तो जब तक अन्यथा ना कहा जाए, त्रिज्याखंड लिखने से हमारा तात्पर्य है लघु त्रिज्याखंड का से होता है, ठीक है। तो लघु त्रिज्याखंड का जो है ना क्या होता है, क्षेत्रफल मान लीजिए ओ ए पी बी केंद्र ओ और आर त्रिज्या वृत्त का एक त्रिज्याखंड है। एंगल ए ओ बी का 80 डिग्री माप थीटा डिग्री। एक वृत्त वस्तुतः एक वृत्तीय क्षेत्र या चकनी का क्षेत्र होता है, जिसमें पायर स्क्वायर होता है। अब देखिए, पायर स्क्वायर है ना, इसको आपको समझ लेना है, ठीक है। और ये पायर स्क्वायर होता है, हमें इस वृत्त क्षेत्र को केंद्र को ऊपर 360 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। अब त्रिज्याखंड मान सकते हैं, फिर एक नियम से यूनिटरी मेथड्स का हम प्रयोग करते हैं, जो कि ओ ए पी बी का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। जब केंद्र पर कोण का अंशीय माप 360 डिग्री होता है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। जब माप एक डिग्री होता है, तो पाई आर स्क्वायर अपन में 360 डिग्री होता है। जब उसके बाद हम जब इसमें दीर्घ त्रिज्या वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ जो आप फिगर में देख रहे हैं, इसमें से, ठीक है, क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा निकल के आ जाएगा, राइट। अब देखिए, इसमें बेहद ही आसान से एग्जाम्पल है, ये पहला एग्जाम्पल, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन पूछे गए, एक एक करके मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। त्रिज्याखंड 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 4 सेंटीमीटर है, जिसका कोण 30 डिग्री है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, और पाई का वैल्यू 3.14 निकालना है, राइट। तो ये हमारा, तो देखिए यहाँ लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो 360 इंटू पाई का वैल्यू हमारा 3.14 लेना है, और आर का 4 × 4 हो जाएगा, तो इसको 0 से 0 हमने कैंसिल आउट कर दिया, 3 × 3 तो 12, 3 × 0 कितना होता है 36, और ये पॉइंट हटाया तो हमने 100 लिख दिया, ठीक है, और ये 4 रहने दिया, ठीक है। 4 × 4 = 16 होता है, तो 3 × 16 का ये 4 × 4 = 16 होता है, 3 × 4 = 12 होता, और ये आप 4 × 4 तो ये 25 जो है ना टाइम में करेंगे तो आपका 100 हो जाएगा। तो इसका जो ना 3 × 4 / 75, तो ये 4.1866 इसका आंसर है, ठीक है बच्चे। आई होप कि आपको समझ में आ गया। और इसको आपको करना क्या है, बनाना ऐसे है, जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, पाई आर स्क्वायर माइनस 4.186, ये लगभग 66 लगभग में है, ठीक है। तो इसको आप इस फॉर्मूले पे बैठाएंगे, तो ये 3.14, ठीक है, × 4 × 4, और ये माइनस इतना लगभग में करेंगे, तो इसको जब माइनस करेंगे डियर स्टूडेंट, तो आपका 46.053 ये लगभग में आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सुना, अब देखिए, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसके त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, राइट। और देखिए, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर अपन में 4 थीटा होता है, 4 होता है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, 22/7 × 2 × 2, तो इसको जो है ना डियर स्टूडेंट, आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे आसानी से, तो ये 4 से 4 ये कट जाएगा, और ये 22/7 हो जाएगा, तो ये यानी पाई आ जाएगा, तो इसका पाई आंसर हो जाएगा, राइट। अब आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किसी कार के दो वाइपर हैं, ठीक है,
परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, समझे, तो उसका 115 डिग्री के कोण बनाएगा, ठीक है। तो इसको आपको निकालना है, तो इसको कैसे आप निकालेंगे, 115 डिग्री का कोण है, तो इसको निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले जो है ना, इसमें जो वाइपर है एक से तो साफ कर रहा है, ठीक है, दूसरा से अगर नहीं कर रहा तो पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल होगा उसको आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्षेत्रफल निकाल लेना है, राइट, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 × θ/360 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 2 × 115 डिग्री है तो अपन में 360, तो ये जीरो, ये इसको कट करेंगे तो ये 180 हो जाएगा, ये 22, यानी पाई का वैल्यू आपको 22/7 लेना, और आर का वैल्यू 25 × 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब कट करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, इसको ऐसे कट करेंगे तो ये 23 से और ये 36 से कट हो जाएगा, तो ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। तो इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे आसानी से तो आपका आंसर इतना लगभग में आ जाएगा, ठीक है, 125.96 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 4th है, जो कि आसान है। इसको अब देखिए, आपको क्या करना है, एक घड़ी मिनट की सुई जिसकी लंबाई इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये बहुत ही आसान है, ठीक है। इसको इस तरह से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, तो ताकि कोई दिक्कत ना आए आपको आसानी से समझने में। तो घड़ी है ना, तो घड़ी को क्या करना है, जब भी घड़ी 12 अगर मान लीजिए 5 मिनट पे जाता है तो ये 5 मिनट का एंगल बनाता है, तो 60 मिनट में वो 360 डिग्री का हो जाएगा, जैसे देख लीजिए ये हम बता रहे हैं 360 डिग्री का है ना, तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ से ये 5 मिनट के अंतराल में हो जाएगा, तो ये एक 5 मिनट में 6 डिग्री का ये कोण बनाएगा, तो 5 होगा, तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा, एक सेकेंड, और उसके बाद क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, θ/360 ऐसे बनाना है आपको पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें जब वैल्यू पुट कर दीजिएगा आप, तो जीरो से ये जीरो काट लीजिएगा दीजिएगा, ठीक है, 3 × 12 से हो जाएगा, 12 × 12 में, और ये 6 से ये 11 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको जो है ना 2 से कट होगा, तो ये टोटल जो प्यारे स्टूडेंट आपका 11 × 14/3, तो ये 154, तो ये 5.33 सेंटीमीटर लगभग में आपका ये आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।